अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर असलहा की तस्करी करने वाले गैंग द्वारा चलाए जा रहे असलहा बनाने की फैक्ट्री का यूपीएसटीएफ गोरखपुर की टीम ने भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित असलहा एवं असलहा बनाने के सामान व उपकरण के साथ 6 पुरुष और 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। यूपीएसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने एसटीएफ गोरखपुर की टीम को इस बड़ी कामयाबी के लिए बधाई देते हुए कहा कि बरामदगी इतनी बड़ी है कि 500 असलहे तैयार हो जाते हैं और आने वाले चुनाव में भी इसके इस्तेमाल होने की भी संभावना थी। वहीं इस सफलता से अपराधियों पर लगाम लगाने में काफी मदद मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की फील्ड यूनिट ने धर्मेंद्र कुमार शाही डिप्टी एसपी एसटीएफ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ गोरखपुर की फील्ड यूनिट मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कि मऊ के प्यारेपुर थाना के दक्षिण टोला मोहल्ला रघुनाथपुर थाना कोतवाली में एक अवैध असलहे का फैक्ट्री का संचालन कर अवैध शस्त्रों का निर्माण कर आपराधिक लोगों को सप्लाई करने का अवैध कार्य किया जा रहा है। इसी सूचना पर 26 अगस्त को सुबह 8 बजे उक्त स्थान पर जब एसटीएफ के निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम ने छापा मारा तो 9 लोग पुरुष महिला सहित बिहार एसटीएफ के सहयोग से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित अवैध असलहे एवं असलहा बनाने का रॉ मटेरियल व उपकरण को बरामद किया। पूछताछ में पता चला कि तनवीर और तवरेज आपस में सगे भाई हैं तथा 2 सगी बहनों से इनकी शादी हुई है। रिश्ते में यह साढ़ू भी हैं जो मूल रूप से बिहार मुंगेर के रहने वाले हैं। वर्तमान समय में मऊ शहर में मोहल्ला रघुनाथपुरा व प्यारेपुरा में अपना निजी मकान बनाकर परिवार के साथ रहते हैं और अवैध शस्त्र का निर्माण करने हेतु कच्चा माल कोलकाता से ट्रांसपोर्ट के जरिए तथा शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन से लाते हैं। दोनों अभियुक्त अपने अपने घरों में तनवीर द्वारा स्वयं तथा परवीज के साथ मिलकर तथा तवरीज के घर पर अभियुक्तगढ़ रिजवान व खालिद एवं लियाकत के साथ मिलकर अवैध शस्त्र बनाने की मशीनें लगाकर अवैध शस्त्र का निर्माण व उनके पार्ट्स निर्मित किए जा रहे थे तथा अभियुक्त रिजाउल हक निवासी मुंगेर द्वारा 20-20 का पैकेट बनाकर प्रति अर्धनिर्मित शस्त्र का 3500 रुपये प्रति शस्त्र से भुगतान करके मुंगेर ले जाकर सोनू उर्फ सज्जाद निवासी मुंगेर व अन्य को 6500 रुपये प्रति शस्त्र की दर से सप्लाई करते थे। सज्जाद व अन्य सहयोगियों द्वारा इन अर्धनिर्मित शस्त्रों को फिनिशिंग के बाद तैयार करके प्रति शस्त्र को 25,000 से 30,000 रुपये में अवैध रूप से बेचा जाता था। उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगढ़ तनवीर तवरेज रियाजुल खालिद रिजवान परवेज व गिरफ्तार शुदा महिलाएं सभी मुंगेर बिहार की रहने वाली हैं तथा कुछ वर्षों से मऊ शहर में आकर अवैध शस्त्रों का कारोबार संगठित रूप से करके पैसा कमा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों में तनवीर आलम पुत्र मोहम्मद शफी अहमद निवासी हजरतगंज थाना कासिम बाजार मुंगेर बिहार हाल पता रघुनाथपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ, मोहम्मद रिजवान अंसारी पुत्र मोहम्मद आलमगीर निवासी हसनाबाद थाना नगर जिला भागलपुर बिहार हाल पता प्यारेपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, मोहम्मद रिजवान उल हक पुत्र मोहम्मद शहाबुद्दीन निवासी हजरतगंज थाना कासिम बाजार मुंगेर बिहार हाल पता प्यारेपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, मोहम्मद खालिद पुत्र मोहम्मद सनावर निवासी हजरतगंज थाना कासिम बाजार मुंगेर बिहार, मोहम्मद लियाकत अली पुत्र स्वर्गीय फयाज अहमद निवासी क्वारी टोला थाना कोतवाली जनपद मऊ, मोहम्मद परवेज आलम पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद उमर निवासी हजरतगंज थाना कासिम बाजार मुंगेर बिहार, रुबीना अंसारी पुत्री स्वर्गीय शफी आलम निवासी हजरतगंज थाना कासिम बाजार मुंगेर बिहार हाल पता रघुनाथपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ, शबाना खातून पत्नी तवरीज आलम अंसारी निवासी हजरतगंज थाना कासिम बाजार हाल पता प्यारेपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ, सबनम बानो पत्नी तनवीर आलम अंसारी निवासी हजरतगंज थाना कासिम बाजार मुंगेर बिहार हाल पता रघुनाथपुरा थाना कोतवाली जनपद मऊ के रूप में हुई है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 पिस्टल 32 बोर 1 तमंचा 315 बोर 31 अदद 7.65 mm देसी पिस्टल अर्धनिर्मित
24 अदद बॉडी बिना बैरल, 120 अदद पीठिया लोहे की, 23 अदद बॉडी लोहे की, 165 अदद खांचा लोहे का, 354 अदद पिस्टल की बैरल लोहे की, 8 अदद डाई मशीन, 99 अदद रॉ मटेरियल लोहे का, 4 अदद खराद मशीन, 3 अदद इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग मशीन कटर मशीन, 95 अदद स्लाइडर, 31 अदद छेनी हथौड़ी लोहे एवं अन्य सामान, 235 अदद लोहे का फर्मा, 5 अदद ड्रिल मशीन, 1 बिजली मोटर, 2 लैपटॉप, 2 माउस, 1 कनेक्टर, 1 चार्जर, 2 पेचकस, 1 प्लास, 2 सिलाई रिंच, 1 आरी, 2 ब्लेड, 5 रेती, 2 वर्नियर कैलिपर, 7 रिंच, 1 लोहे का स्केल, 3 बैरिंग, 1 हथौड़ी, 3 छेनी, 1 लोहे का फ्रेम, 1 चाबी ड्रिल मशीन, 7 वेल्डिंग रॉड, 2 स्प्रिंग, 1 स्कूटी एविएटर, 1 स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल को बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त तनवीर आलम पूर्व में भी अवैध शस्त्रों के धंधे में 2011 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके विरुद्ध थाना मऊ में मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ में मुकदमा अपराध संख्या 149-21 धारा 3, 5, 7, 25, 25-1 का, 25-8, 26-1, 2 35 आर्म्स एक्ट एवं 34-120 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा इन सभी आरोपितों का आपराधिक इतिहास बिहार व उत्तर प्रदेश सहित प्रदेश के अन्य जनपदों से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश ने इतनी बड़ी असलहा बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करके निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव के मद्देनजर एक सराहनीय कार्य किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने कहा, आज एसटीएफ द्वारा दक्षिण टोला में थाना क्षेत्र में एक अवैध रूप से चल रहे असलहे फैक्ट्री पर छापा मारा गया और वहां भारी मात्रा में असलहा बनाने का सामान, कुछ बने हुए असलहा तथा अनबने या अर्धनिर्मित शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से ये सामान लगभग 500 तमंचों को बनाने के लिए सफिशिएंट था। 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मुंगेर के रहने वाले हैं और यहाँ दक्षिण टोला मऊ में आकर काम कर रहे थे। इनके मॉडल अप्रेंडाई के बारे में जानकारी करने पर पता चला कि ये रॉ मटेरियल कलकत्ता से मंगाते हैं, यानी लोहा जो स्पेसिफिक प्रकार का होता है और इस असलहे बनाने का काम आता है वो कलकत्ता से आता है और जो अर्धनिर्मित पार्ट है उन सभी को वापस मुंगेर भेजा जाता है। मुंगेर से इनकी फिनिशिंग की जाती है और उसके बाद इन्हें अपराधियों को विक्रय कर दिया जाता है। इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ एप्रोप्रिएट धाराओं में थाना दक्षिण टोला में मुकदमा कायम करके कार्रवाई की जा रही। सर, इसमें क्या इतनी बड़ी बरामदगी हुई है? हमको तो नहीं लगता है कि निकट भविष्य में, जो आज जिस तरीके से 500 सलाह के बारे में आप बता रहे हैं, ये रॉ मटेरियल इतने एसटीएफ की बड़ी कामयाबी है। सर, ये चुनाव आने वाले चुनाव और बिहार में भी चूंकि वो चुनाव होने वाले हैं ग्राम प्रधानी के, तो सर इसके लिए बड़ी कामयाबी है इस परिप्रेक्ष्य में।
जी हाँ, ये बड़ी कामयाबी है, खास करके जो आने वाले चुनाव हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव में इन असलहों की डिमांड होती, छोटे बड़े चुनाव आसपास के प्रदेशों में भी हैं। इसके अलावा इस तरह से जिस प्रकार से फैक्ट्री लगाई गई थी, इसके लिए मकानों में इस प्रकार के बेसमेंट्स क्रिएट किए गए थे, तहखाने क्रिएट किए गए थे जिनमें पूरी लेथ मशीन्स डाली गई थी, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर असलहों को बनाने का और बेचने का धंधा यहाँ से चल रहा है। सर, क्या इस सफलता के लिए टीम को कुछ आप लोग, क्योंकि बड़ी सफलता है सर। जी हाँ, यह एक बड़ी सफलता है, इसके लिए हम टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। ये इस सफलता से अपराधियों पर काफी लगाम लगाने में लगेगा।